कोई ऐसा व्यक्तित्व या कुछ भी ऐसा है जिसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे या और लोगों के जीवन पर रहा हो तो दोस्तों जब इतिहास के पन्नों को मैंने खंगाला तो एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटना जिसका हम सबके जीवन पर प्रभाव रहा है उसके बारे में मुझे पता चला तो आज है इक्कीस फरवरी और आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन दुनिया के पहले लोकोमोटिव स्टीम इंजन ने अपना पहला सक्सेसफुल ट्रायल रन पूरा किया था अब आप सोच रहे होंगे कि लोकोमोटिव स्टीम इंजन से मेरा क्या मतलब है मुझे विश्वास है कि आप सभी ने ट्रेन से कभी ना कभी कोई यात्रा ज़रूर की होगी और अभी जो इंजन्स ट्रेन्स में यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन यूज़ होते हैं उससे पहले अगर कुछ लोगों को याद हो तो डीजल के इंजन्स यूज़ होते थे जिनको हम डीज़ल या फिर फ्यूल लोकोमोटिव इंजन्स बोलते थे अब स्टीम इंजन कैसे काम करता है ये तो हम सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा तो इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी अगर आपको फिर भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं एक अलग से वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा अब हमारे मन में ये एक प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्या रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट हमारे जीवन पे स्टीम लोकोमोटिव इंजन ने डाला है आप जरा सोचिए कि अगर स्टीम लोकोमोटिव इंजन नहीं बना होता तो क्या पता आज हम ट्रेन से ट्रेवल कर भी रहे होते या नहीं क्योंकि जब तक स्टीम लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक लोग या तो घोड़ों पर या पैदल या जैसे हमारी इंडिया जैसी कंट्री है उसमें बैलगाड़ी पर सफर करते थे सोचिए उस टाइम कितना वक्त लगता होगा एक जगह से दूसरे की जगह जाने के लिए आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में सोचना ही मुश्किल है इस एक आविष्कार ने हमारे यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया ना कि सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचने लगे बल्कि अपनी जरूरत का सामान भी बहुत आसानी से इधर से उधर पहुंचाने लगे अब आप सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट लोकोमोटिव स्टीम इंजन रिचर्ड ट्रेविथिक ने आज ही के दिन यानी कि 21 फरवरी 1804 को पहली बार स्टीम लोकोमोटिव इंजन को इंट्रोड्यूस किया था वैसे इससे पहले सत्रह में भी उन्होंने एक हाई प्रेशर स्टीम इंजन बना लिया था पर वो एक स्टेशनरी इंजन था जो इधर से उधर नहीं जा सकता था फिर 1801 में उन्होंने एक रोड पर चलने वाली स्टीम कैरिज भी बनाई थी पर वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ उसके बाद 1804 में पहली बार सफलतापूर्वक स्टीम लोकोमोटिव इंजन ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया इसमें पांच डब्बे लगे हुए थे और दस टन लोहा था साथ ही इसमें सत्तर लोग भी सवार थे इसने अपनी जो पहली यात्रा पूरी की थी वो पंद्रह दशमलव सात किलोमीटर की थी और उसने उसे पूरा करने में चार घंटे पांच मिनट का बहुत बड़ा समय लिया था इसकी एवरेज जो स्पीड थी वो भी सिर्फ आठ किलोमीटर प्रति घंटा थी उनके इस प्रयोग से ये तो सभी को अंदाजा हो गया था कि यात्रा करने के तरीके को पूरी तरीके से स्टीम इंजन बदल सकता है पर जो वो पहला प्रोटोटाइप था उसका वजन इतना ज्यादा था कि उस समय की जो रेल की पटरियां होती थी वो उस वजन से टूट जाती थी और ऐसा ही हुआ दोस्तों जब वो स्टीम इंजन चला तो रेल की पटरियां टूट गई रिचर्ड ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने 1808 में फिर एक बार एक नया प्रोटोटाइप बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया कैच मी हु कैन जो कि एक खास रेलवे ट्रैक पर दौड़ा ब्रूम्सबरी लंदन में इसमें काफी सारे लोग भी बैठे थे और इसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार छो ली थी पर जैसा कि पिछली बार हुआ था इस बार भी रेलवे ट्रैक इस इंजन का वजन सह नहीं पाए और वह टूट गए इस बार रिचर्ड को अपने ये सब प्रयोग बंद करने पड़े लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया को स्टीम इंजन की जो ताकत थी जो क्षमता थी उससे परिचित करवा दिया था जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर रिचर्ड ये सब ना करते तो आज शायद ट्रेन ना होती यह उन्हीं का काम था जिसने और भी बहुत से इन्वेंटर्स को प्रेरित किया इससे भी अच्छे और बेहतर मॉडल्स के ऊपर काम करने के लिए यह सब तो हुआ रिचर्ड ट्रेविथिक के काम को लेकर पर उनका अपना बचपन और व्यक्ति का जिंदगी भी कम रोचक नहीं थी छह भाई बहनों में सबसे छोटे रिचर्ड का जन्म सत्रह में कॉनवेल इंग्लैंड में हुआ खेलकूद में आगे रहने वाले रिचर्ड्स का मन पढ़ाई में थोड़ा कमी लगता था और उनके टीचर्स की हमेशा यह शिकायत रहती थी कि वो उनकी बात नहीं मानते बहुत ही ज्यादा जिद्दी और पढ़ाई में बहुत ही स्लो थे रिचर्ड के पिताजी भी हमेशा यही कहते थे कि मेरा बेटा तो आवारा है उन्नीस साल के होते होते रिचर्ड्स फुट दो इंच के हो गए थे इसीलिए उनको कॉर्निश भी कहा जाता है जिस माइन में रिचर्ड के पिताजी मैनेजर थे रिचर्ड ने उसी माइन में काम करना शुरू कर दिया स्टीम इंजन कितना महत्वपूर्ण है इसका आभास उन्हें उसी माइन में काम करते हुए पता चला ऐसा भी सुना गया है कि रिचर्ड बहुत ही जिद्दी और अड़ियल किस्म के थे इसलिए उनकी कभी किसी से बनती नहीं थी यही कारण रहा कि जितने भी बिजनेस उन्होंने किए वो खास चल नहीं पाए अपने दूसरे स्टीम लोकोमोटिव इंजन के ट्रायल के बाद 1808 में उन्होंने फिर से एक बिजनेस शुरू किया जो कि तीन साल बाद ही बंद हो गया उसके बाद 1816 में वो नॉर्थ अमेरिका चले गए और वहां भी कुछ ना कुछ करते रहे अठारह में जब वो वापस इंग्लैंड आए तो उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनके ही मॉडल्स पे काम करके बहुत सारे इन्वेंटर्स ने बहुत सारा पैसा कमा लिया था ये देख के वो बहुत दुखी हुए फिर आखिरकार 1833 में निमोनिया के चलते उनकी मृत्यु हो गई और मरते वक्त भी उनके पास कुछ नहीं था इतना टैलेंटेड होने के बाद भी इतने महान आविष्कारक होने के बाद भी जब मरते वक्त उनके पास कुछ नहीं था तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में सफल होने के लिए टैलेंट और स्किल्स की जरूरत तो है ही पर साथ में एक सही एटीट्यूड भी चाहिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए Thank you.